नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल के बयान पर घमासान जारी है। बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमले कर रही है। अनुराग ठाकुर के बाद अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी राहुल को आड़े हाथों लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर घमासान जारी है। छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल ने केंद्र सरकार पर हमला तो बोला ही, साथ ही उन्होंने देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के खतरे में होने की बात कही। इसके अलावा राहुल ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का एक हिस्सा भी साझा किया। राहुल ने बताया कि जब वे कश्मीर में पैदल यात्रा कर रहे थे तब उनका सामना एक आतंकवादी से हुआ। सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि यह आतंकवादी है, लेकिन वो मुझे देखता रहा और मैं उसे, जिसके बाद मैं आगे बढ़ गया। लेकिन राहुल के इन्हीं बयानों से बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। बीते दिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल के पेगासस वाले बयान पर जमकर हमला बोला था। अनुराग ने कहा कि पेगासस फोन में नहीं बल्कि उनके दिमाग में है। वहीं अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी राहुल को आड़े हाथों लिया है। शर्मा ने कहा कि अगर राहुल गांधी को यात्रा के दौरान आतंकवादी से सामना हुआ था तो उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी। इसके अलावा शर्मा ने पुलवामा आतंकी हमले को कार बम की घटना बोलने पर भी आड़े हाथों लिया। इसके अलावा बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी राहुल को कटघरे में खड़ा किया। रविशंकर ने कहा कि याद रखना चाहिए कि जिस लोकतांत्रिक प्रक्रिया की राहुल गांधी आलोचना कर रहे हैं वो वही प्रक्रिया है जिससे वो अमेठी की हार से भागकर वायनाड से जीतने में सफल रहे। सिर्फ वो ही नहीं, उनकी माँ भी उसी प्रक्रिया से सांसद बनी है। बहरहाल राहुल को ये सोचना होगा कि विदेशी धरती पर भारत की ऐसी छवि पेश करने से विश्व में क्या संकेत जाएंगे, क्योंकि देश के भीतर सरकार की आलोचना तो ठीक है, लेकिन विदेशी धरती पर भारत की ऐसी छवि पेश करना किसी भी मायने में सही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।